उत्तर भारत के प्रसिद्ध बटेश्वर तीर्थ नगरी में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव भक्तों शोरों से गंगा जल भरकर कांवर को ब्रह्मलाल महादेव पर गुरुवार की रात्रि 12 बजे से मंदिर का पट शिव भक्तों के लिए खोल दिए गए और कांवर चढ़ाना शुरू हो गया। सुबह शाम तक लाखों कांवरियों ने कांवर चढ़ाई। फिल्म कलाकार रवि परिहार मुंबई से भोले की नगरी बटेश्वर आकर किया भोले को नत मस्तक। भीड़ के कारण चोरों ने श्रद्धालुओं के सोने के जेवरात और मोबाइल किए चोरी। मुख्य मंदिर तक बाह क्षेत्र पुलिस फोर्स मौजूद रहा और पीएससी 15वीं वाहिनी गोताखोर यमुना में लगातार अपनी टीम के साथ एचएसपी युवराज सिंह, यशपाल सिंह, नेम सिंह, राजाराम सिंह, सत्यवीर रॉय पाठक सहित यमुना घाटों पर मुस्तैद रहे और प्रशासन की तरफ से एसडीएम अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सीईओ रितेश कुमार, एसएससीओ प्रदीप कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज योगेश कुमार अपने पुलिसकर्मी के साथ मुस्तैद रहे और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों तक से अराजक तत्वों पर मंदिर गार्डों ने कैमरे से चोरों को पकड़ा। देखते हैं संवाददाता रणबीर सिंह की रिपोर्ट। आज जो इस महापर्व पर बटेश्वर नाथ भगवान जी के दर्शन करने का मौका मिला और ये बड़ा महत्व है इस तीर्थ का। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी जो के जो बटेश्वर मंदिर है, जो तीर्थ है, उसे सर्व तीर्थों का भांजा माना जाता है, तो ये पुण्य में भी सबसे आगे है क्योंकि हिंदू जो समाज है उसमें भांजे को बड़ा महत्व है। आज यहाँ पर बटेश्वर नाथ के जो दर्शन के लिए लोग आते हैं दूर दराज से, यहाँ करीब मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई प्रांतों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ की मनोकामना है कि आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और मन्नत मांगते हैं, उससे सभी मनोकामना पूरी होती हैं। वैसे भी कांवड़ का क्या कांवड़ भी लोग क्या कांवड़ की महाभारत काल से एक परंपरा है कि जो लोग कांवड़ लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसी के साथ यहाँ पर आज का विशेष महत्व माना जाता है। आज जो महाशिवरात्रि है उसके दिन कांवड़ चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, इसके लिए यार यहाँ पर काफ़ी संख्या में कांवड़े भी चढ़ाई गई हैं। ये पावन धाम बटेश्वर जी महाराज जी हैं। आज महाशिवरात्रि पावन पर्व है, इस पर्व पर विशेष भीड़ है और लगभग उम्मीद है कि कम से कम 5,000 कांवरिया दर्शन कर चुके हैं बाबा बटेश्वर जी पर और शाम तक और आने की उम्मीद है और लाखों की संख्या में भक्त लोग हैं यमुना महारानी में डुबकी लगा रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आज का विशेष पर्व है और विशेष मुहूर्त है। आज के दिन जिसने भोलेनाथ को जलाभिषेक किया, पूजन किया, भोलेनाथ शिव को मां से आने वाले भक्तों से भी आशीर्वाद होंगे। कोई ऐसा भक्त है जो निराश होकर नहीं आ सकता। आज बाबा विशेष पर्व है और पूजन का विशेष महत्व है। आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ की असीम कृपा है, जो भक्त दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ के बाद सभी भक्तों का अर्पण होंगे। जय बटेश्वर महाराज, जय भोले महाराज। ये अभी तक हजारों की संख्या में कांवड़ चढ़ चुकी है और उम्मीद है इतनी और चढ़ जाएगी तो रात को 1 बजे से भगवान के पट खोल दिए कांवड़ियों के लिए। 1 बजे से निरंतर कांवड़ चढ़ रही है, अभी चल रही कांवड़ और रात को 9 बजे तक कांवड़ चढ़ेगी। पुलिस प्रशासन अच्छी व्यवस्था है, शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है, मंदिर पर जो प्रशासन वो भी अच्छी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन भक्तों का काफ़ी बड़ा सैलाब है जो भगवान से पर गंगा मिश्रण यमुना मिश्रण करने के बाद भगवान से पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने काम की कामना की बाबत प्रार्थना कर रहे हैं। जय कृष्ण महाराज। आप लोग कितने लोग हैं? हमारे 9 लोगों के लिए।
और रात का भी कोई घटना नहीं हुई। कितने बजे आपने डाले थे वो हम पर आ गए थे? आप तो गए थे कल दोपहर को ही, लेकिन बहुत अंदर रात हो गया। भीड़ कितनी चल रही है अनुमान से आपसे? Thank you.
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।